सरकार के सीमांत नीति वाला समाचार रहेगा, ये पूरा हो तो कुछ चैन मिले। तुम्हारे कहने पर मैंने अंग्रेजी अखबार निकालना शुरू किया, वरना मैं तो संपादन कार्य से ही संतुष्ट था। आप दूसरों के अखबार में लिखते थे, ये कोई गौरव की बात तो नहीं थी। और फिर अपने अखबार में अपने लिखने को पूरे वेग से दौड़ाया जा सकता है, यही सोचकर मैंने आपको अखबार निकालने की राय दी। और अच्छी राय दी तुमने मुझे संपादक ही बना दिया। मुझसे नहीं होगा।
चारों जूते सिलना भी नहीं जानती और अमोल को ये बात बताना भी नहीं चाहती। ये है चारों का धर्म संकट। बेचारी को इस धनी घर में कोई काम ही नहीं करना पड़ता। अमोल है जो इसे काम कराए बिना छोड़ता भी नहीं। अमोल की मांग पूरी होगी ये बात भी हम जानते हैं। क्या बना रही है भाभी? देवर जी, ये बगिया के चित्र है। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। मैं सोच रही हूँ हमारे घर के आगे जो खाली जमीन है क्यों ना हम उसे एक बगीचा कर रख दे, कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। अभी ना वहाँ सिर्फ एक विलायती आंवले का पेड़, पर अब वहाँ पूरा हरा भरा बगीचा। हाँ, और उस बगीचे में तुम राजकन्या के समान अपने हाथों से पेड़ों में जल दिया करोगी। हाँ, अब तो पश्चिम के कोने में एक झोपड़ी तैयार करना, वहाँ हरिण का बच्चा रहे। हाँ, और बगीचे में एक झील भी बनाए जिसमें हंस दाना चुगे। उस झील में मैं नीलकमल लगाऊंगी। बहुत दिनों से मेरी इच्छा नीलकमल देखने। झील पर एक पुल भी बनाएंगे और घाट पर एक छोटी सी सुंदर सी डोंगी होगी। घाट हम सफेद संगमरमर का बनाएंगे। पर भाभी, इसमें खर्चा तो बहुत होगा। ओफो अमूल, तुम खर्च की चिंता क्यों करते हो? मैं घर खर्च में से बचा बचा के धीरे धीरे जमा करती रहूंगी, उसी से हो जाएगा। उससे नहीं होगा भाभी, कई हजार रुपए खर्च हो जाएंगे। भाभी ऐसा करते हैं, झील को छोड़ दे। नहीं, झील तो बिल्कुल छोड़ी नहीं जा सकती। अरे झील में मेरे नील पद रहेंगे, झील नहीं छोड़ सकते हूँ। तो ऐसा करो, हरिण के घर पर खपरेल की छत मत डालो, उस पर यूं ही मामूली से पौध छमा देने से काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन मॉरिशस से लवंग, सिंघल से दालचीनी और कर्नाटक से चंदन के पौधे मंगाने हैं, ये याद रखना। अभी क्यों ना मनिकतला से मामूली देसी और विलायती पौधे मंगवा लेते, कम खर्च में काम चलेगा। रहने दो, मुझे नहीं चाहिए कोई खर्च। लो, तुम तो गुस्सा कर बैठी। अभी भैया से बगीचे की बात छेड़ो, दे रुपया दे दे। अरे नहीं, उनसे कहने में क्या मजा रहा। ये बगीचा ना हम दोनों तैयार करेंगे और तैयार हो जाने पर उनको यहाँ बुलाकर आश्रम में डाल देंगे। वो सोचेंगे कि अलादीन के चिराग से जापान देश से एक बाग उखाड़ कर लाया गया। अरे हाँ। अमूल, यहाँ पत्थर की वेदी बनेगी, यहाँ हरिण का घर
अजीब। इतना सुंदर लगेगा ना हमारा बगीचा। हाँ बहुत सुंदर लगेगा। यदि तुम मेरे बगीचा के बारे में तो कितना अच्छा होता। क्यों अच्छा होता? अपने इस बगीचे का वर्णन करके तुमसे एक कहानी जो लिखवाती। ये झील, ये हरिण का घर, ये आंवले की छाया, झील में तैरते हंस और पेड़ों पर गाती कोकिला और कोकिला का मधुर स्वर कू संसार के 15 आना लोगों में सौंदर्य बोध होता ही नहीं। अभी क्या तुम भी उन 15 आना लोगों में से? ठीक है मैं मसले की छत पर कढ़ाई तैयार कर दूं, लेकिन तुम्हें लिखना होगा। तुम लिखना शुरू कर। ठीक है। अच्छा दिखाओ तुम लिखते क्या? अभी नहीं भाभी। दिखाओ। भाभी अभी नहीं। अरे भाभी भी पूरा नहीं लिखा है। भाभी दिखाओ दिखाओ। मेरी कल्पनाओं ने तुम्हें अभी तक स्पर्श नहीं किया। सूती का गृह में भाग्य पुरुषों के प्रवेश के पूर्व तुम शिशु के ललाट पट के समान निर्मल रहस्यमय। जिस दिन तुम्हारे अंतिम पंक्ति के अंतिम पृष्ठ पे उपसंहार लिख सकूंगा, वो दिन आज कहां? आज मैंने साहित्य के मादक रस का प्रथम पान किया। साकी भी नया और रसना भी नया।
क्या पढ़ रही हो भाभी? मनमत दत्त की गड़बड़। वाह क्या खूब लिखा है। मैं तृण हूं शूद्र तृण, मैं तृण हूं शूद्र तृण, मैं तृण मात्र हूं, मेरे फूल नहीं, मेरी छाया नहीं, मैं आकाश में अपना सिर नहीं उठा सकता। अभी मनमत दत्त बसंत की कोकिला मेरा आश्रय लेकर कुहू स्वर से जगत को उन्मत्त नहीं करती। मेरी उपेक्षा मत करना, मुझे तुच्छ मत समझना। तुम तो बड़े ईर्ष्यालु हो देवर जी, अपनी रचनाओं के अलावा कुछ और पसंद ही नहीं आता तुम्हें। और तुम्हारा क्या कहना भाभी, दिन का भी मिल जाए तो निकल लो। अच्छा भाभी ये देख, क्या है इसमें? खुद ही पढ़कर देख लो ना। क्या है इसमें? पढ़कर तो देखो। अच्छा बताओ ना क्या है इसमें। भाभी इसमें मेरा वही लेख प्रकाशित हुआ है जो तुमने उस दिन बगीचे में पढ़ा था। ये लेख मेरे लिए था, ये मेरी भी संपत्ति थी। तुम लेखक और मैं पाठक, इस लेख की गोपनीयता ही इसका प्रधान रस था।
चारों अपना उमर इतना अच्छा लिख सकता है कि मैं जानता ही नहीं था। तुमने उसका लेख पढ़ा? नहीं, समय नहीं मिला। ये तो अपना निशिकांत को प्रशंसा कर रहा था उसकी। वाला रचना बहुत अच्छे से समझता है। कह रहा था उमर का लेख बहुत अच्छा है। वो जरूर एक दिन पढ़ा लिखा करेगा। अरे उमर, तुम तो लेखक बन गए। तुम्हारे लेख पत्रिकाओं में छपने लगे। सब भाभी की प्रेरणा से संभव हुआ है भैया। नहीं, मेरे लिए मत माना। क्यों? अखबार का काफी काम का काफी है। आपका काम अभी तक समाप्त नहीं हो गया? अखबार का काम कभी समाप्त नहीं होता अमोल। दिन रात कैसे कट जाते हैं पता ही नहीं चलता। एक चालू है जिसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं। मेरे पास इतना भी वक्त नहीं कि दो बड़ी चालू के पास बैठ सकूं। लेकिन ये सब कवित्व क्या मैं समझता हूँ? तो फिर क्या समझते हो तुम?
देखो भाई, मैं साधारण आदमी मनुष्य को समझता हूँ। मनुष्य की बात क्या साहित्य में नहीं लिखी जाती? गलत दिखते हैं। मनुष्य के सर शरीर वर्तमान रहते, इतनी सारी अनर्गल बातों में से ढूंढते फिरते रहने की क्या जरूरत? कहने को कुछ भी नहीं, फिर भी इतनी सारी बातें बना करते हैं भैया। तो अगर मैं सिर्फ फोड़ कर मर जाऊँ ना तो भी नहीं समझ सकता। अमूल भाई देखो, तुम आषाढ़ के चांद या भद्र मास पर जो चाहे उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं किसी की स्वाधीनता में हाथ नहीं डालना चाहता, लेकिन मेरी स्वाधीनता में हस्तक्षेप क्यों? तुम्हारी भाभी मुझे तुम्हारी रचनाएं सुनाए बिना नहीं छोड़ी। तुम्हारी भाभी का कैसा अत्याचार है भाभी? मेरे लेखों को लेकर तुम भैया पर अत्याचार करने का उपाय निकाल लोगी, ऐसा जान तो तुम्हें लिखता ही नहीं। अपने भाई का ना विवाह करा दो। हाँ वो बात है, फिर कभी लेखों को उपद्रव नहीं सहना पड़ेगा। मुझे दिन रात अखबार के काम में जुटे रहना पड़ता, जान बेचारी बहुत अकेली हो जाती, बीच बीच में मेरे लिखने के कमरे में झांक कर चली जाती है, क्या क्या करूं समझ में नहीं आता। तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम उसे पढ़ा क्यों नहीं देते? देखो और बीच बीच में उसे अंग्रेजी काव्य का अनुवाद करके सुनाओगे ना तो उसको फायदा भी होगा और अच्छा भी लगेगा। चारों के साहित्य में बड़ी रुचि है। ये तो ठीक है भैया, मेरा मानना है कि जब भाभी थोड़ा बहुत और पढ़ लिख लेना तो बहुत अच्छा लिख सकते हैं। अरे नहीं नहीं, इतनी आशा तो नहीं करता। हाँ इतना जरूर होगा कि बांग्ला लेखों की अच्छाई बुराई मेरी अपेक्षा ज्यादा समझते हैं। नहीं भैया, भाभी की कल्पना शक्ति बहुत खूब है, औरतों में ऐसी नहीं दिखती। पुरुषों में भी कहाँ होती है, उसका प्रमाण मैं हूँ। देखो भाई, अगर तुम अपनी भाभी को कड़कर तैयार कर सको मैं तुमको इनाम दूंगी। इनाम दोगे? क्या दोगे सुनूं तो जरा। तुम्हारी भाभी की तरह कोई दूसरी खोज कर ला दूंगा तुम्हारे लिए। भैया फिर तो पूरा जीवन बीत जाएगा भाभी को कड़ने में। ठहर मैं दिखता हूँ। इतने सारे डाक किसके हैं? सब तुम्हारे ही हैं। मेरे? हाँ कवि सम्मेलन का निमंत्रण पत्र, ये साहित्य गोष्ठी, ये सदस्य बनाने का निमंत्रण, सभापति बनाने का अनुरोध, ये सारे हस्ताक्षर भी रमणियों के पास। अरे अमोल, अब वो अमोल यार बहुत बड़ा लेखक बन चुका है। सो तो अब अमोल के नाम से इतने डाक आने लगे हैं तो इसका मतलब साफ है कि अमोल की लोकप्रियता बढ़ने लगी। एक पत्र सिर्फ मेरा। चालू कागज वाली चिट्ठी इसमें लिखा है कि 2700 रुपये बाकी, रुपया तो मैंने तुम्हारे भाई को दे दिया था। फिर ये चिट्ठी जो कोई भूल हुई होगी, मैं देख लूंगी, आप चिंता ना। ठीक।
तुम्हारी ख्याति में तो मेरी भागीदारी, तुम्हारे लिखने के मूल में तो मैं। तुम तो कहती थी तुम लिख ही नहीं सकती। तुम्हारी ज्यादती हम इस तरह छिप छिप के क्यों देख रहे थे? प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाता इसलिए। लाओ मेरी कॉपी दो। पहले पढ़ने तो दो। लाओ मेरी कॉपी दो। अगर तुमने इसे पढ़ा ना तो तुम्हारे साथ हमेशा के लिए कुट्टी हो जाएगी। अगर तुमने पढ़ने से रोका ना तो तुम्हारे साथ हमेशा के लिए कुट्टी हो जाएगी। छिपे चोरों की तरह क्यों घूम रहे? सहसा कहां से आकर अपने नीलांचल के नीचे तारों को चुरा कर भागे जा रहे? तुम भागते हो इसलिए कि मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकती, अपनी बाहों में जकड़ नहीं सकती। अरे वाह भाभी, बहुत अच्छा लिखा तुमने।
अच्छा मजाक है ना, तो लाओ मेरी कॉपी। कॉपी अभी नहीं, लेख की नकल करके इसे पत्रिका में भेजूंगा। नहीं अमोल, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। लाओ मेरी कॉपी तो मुझे। ये तो मैं अवश्य करूंगा। अमोल मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी। तुम मुझे रोक भी तो नहीं पाओ। ओफो अमोल, तुमने बहुत जल्दी, एक बार कुछ तय कर लेते हो फिर बस, उसे किसी तरह नहीं छोड़ूंगी। वो तो मैं हूँ। भाभी भाभी क्यों नहीं लेख एक बार भैया को दिखाए? नहीं, अगर उन्हें दिखाया ना तो मैं एक अक्षर और नहीं लिखूंगी, बता देती हूँ। भाभी तुम्हारा लेख देखकर भैया बहुत खुश होंगे। होने दो, मुझे उनकी खुशी से क्या लेना देना। तो मैंने
मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए लिखा था। तुम्हारे मेरे बीच एक अनुबंध हुआ कि मेरा लेख तुम पढ़ोगे और तुम्हारा मैं। फिर तुमने ऐसा क्यों? जिन लेखों को मैं अपना गुप्त संपत्ति समझकर संचित करती रही, उसे तुमने सरेआम कर दी। बड़े साथ से पाले गए पक्षियों को पिंजरे का द्वार खोलकर उड़ा दिया। भाभी मत कहो मुझे भाभी, आज मैं होश में नहीं। मुझे गाली देकर तुम्हारे लेखों की प्रशंसा की गई है, इसलिए प्रसन्नता के कारण तुम होश में नहीं। अरे तुम्हें तो चाहिए कि पत्रिका को फाड़ कर आग में जला दो। क्यों क्यों जला दो आग में? और अमूल, किस अधिकार से तुम मुझे इन्हें जलाने के लिए कह रहे हो? किस अधिकार से तुमने मेरे लिए इस पत्रिका में छपाई? बोलो। तुम्हारे लेख पत्रिका में छपवा कर मैं तुम्हें विस्मित कर देना चाहता था। तो फिर छप जाने के बाद क्यों नहीं दिखाया? शायद इसलिए कि समालोचना ने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई है ना? उस मूर्ख की समालोचना पढ़कर अपने गुरु की अपेक्षा अपने को बड़ा समझने की मूर्खता ना करो। इसमें मूर्खता की क्या बात है? तुमसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए उस लेखक को मूर्ख बताने का सफल प्रयास कर रहे हो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी महत्वाकांक्षी हो। मैं तुम्हें कैसे बताऊं अमोल कि तुम मेरे लिए क्या हो? संसार में प्रतिष्ठा प्राप्त करके जो व्यक्ति सहज ही किसी भी युवती की दृष्टि आकर्षित कर सकता है, वो व्यक्ति तुम। तुम मेरे भीतर इस प्रकार व्याप्त रहते हो कि तुमसे बचने का मुझे कोई स्थान ही नहीं मिलता। बड़े यत्न से अपने हृदय में प्रतिष्ठित कर लिया। अब तुम ही मेरे जीवन के श्रेष्ठ गौरव। चारू, चारू। क्या बात? तुम्हारे भाई ने मेरे नाम पर बाजार में बहुत सारी उधारी कर रखी है। यहां तक कि जो हमें मकान वो बनवा रहा है उसका भी सारा सामान मेरे नाम पर उधार ले रखा है। कागज वाले ने जो रुपया दिया था वो भी कागज वाले तक नहीं पहुंचा। में भी कुछ नहीं है, अब किसके आगे हाथ फैलाओगे? हाथ? क्या तुम हाथ फैलाने की बात कर रही? मैं अपने रुपए लेने के लिए मतीलाल के पास गया था जिसे मैंने संकट के समय उधार दिया। आज जब उसे रुपए मांगे तो कहने लगा कि मेरे को भी बात कर रहे हो, वो तो मैंने आपको कभी वापस कर दिया। मैं उसे देखता ही रह गया, सोचकर वापस आ गया कि कहा सुनी हो गई तो मेरा ही मजाक बनेगा। दूसरा पानी ला।
चारों ओर से दुनिया का जैसे स्वरूप ही बदलता जा रहा। संसार के जिस अंश पर से पर्दा हट गया उसको देखकर शरीर मानो आतंक से सिहर उठता। चारों तरफ छल फरेब धोखा, क्या यही संसार है? नया कुछ लिखा क्या? नहीं, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, मेरा मजाक उड़ा। नहीं, मजाक नहीं उड़ाऊंगा। इस प्रकार धैर्य से सुनूंगा कि तुम्हें लगेगा कि मैं सो गया। मैंने ना आज अमावस्या का आलोक शीर्षक पर एक लेख लिखा, तुम्हें सुना? नहीं मैंने। अमोल, अभी बीता दिन तो याद आया, एक जरूरी बात बताना तो भूल ही गया। कौन सी जरूरी बात? अमोल के विवाह का बहुत बढ़िया प्रस्ताव आया। अमोल का संबंध है? हाँ, भगवान के वकील रघुनाथ बाबू अपनी बेटी के साथ अमोल का विवाह करके उसे विलायत भेजना चाहते हैं। विलायत? हाँ। अमोल विलायत चला जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। है? तुम्हें क्या लगता है, अमोल विवाह नहीं करेगा? अरे इसके पहले भी तो कितने बार प्रयत्न करके देख चुके हैं ना। पहले की बात और थी, उस पर बड़ा भारी कर्जा हो, और मैं और अमोल को इस तरह आश्रय नहीं दे पाऊं। मुझे विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन भैया की अनुमति है। भैया के ऊपर भक्ति इतने दिनों का कहां थी देवर जी? ये क्यों नहीं है? ये तुम्हारी इच्छा, इतने दिन ये नाटक करते रहने की क्या जरूरत कि तुम्हें विवाह करना ही नहीं है? मन मन भावे मूड हिलावे। अरे तुम्हारे कारण वो इतने दिन उधर खुद को रोके रखा उसने, कहीं तुम्हें देवरानी की बातें सुनकर ईर्ष्या ना हो। ईर्ष्या? मुझे क्यों होगी ईर्ष्या? तुम्हारा ना इस प्रकार की बात करना बहुत अन्याय है। ये लो भैया, स्त्री के साथ हंसी मजाक भी नहीं कर सकते। मुझे ऐसा मजाक नहीं कर सकते। अच्छा भैया, ठीक है। तो अमोल, विवाह की बात तय रही? हाँ। अरे लड़की अच्छी है या बुरी ये देखने की भी देरी नहीं रह सकते? तुम्हारी ऐसी दशा आ गई है इसका तो जरा भी आभास नहीं दिया देवर जी। अगर वो लड़की देखना चाहे तो मैं बंदोबस्त कर सकता हूँ। नहीं, देखने की कोई जरूरत नहीं। अरे भले ऐसा होता है, लड़की देखे बिना विवाह होगा? देखो, ये ना देखना चाहे ना देखे, पर हम तो देखें। अरे
वैसे मुझे पता है ये देखने दिखाने को लेकर फिजूल देर करने की जरूरत नहीं है। चलो अच्छा तो मामूल विवाह के लिए राजी हो गया, मैं आराम से विश्राम कर सकता। मनुष्य को समझना कितना कठिन होता है। ये कौन जानता था कि जो व्यक्ति इतना अच्छा लिख सकता है उसके पास तो हृदय है ही नहीं। इस अखबार को ना इसको मैं बंद करने जा रहा हूं, अब मैं और खर्चा नहीं जुटा सकता। जनसाधारण नामक एक अत्यंत निर्मम पदार्थ की जिस खोज में मैं दिन रात लगा हुआ था, देखो ना उसे एक ही क्षण में विसर्जित करना पड़ रहा है। पिछले 12 वर्ष से अपने जीवन के जिस परिचित पथ पर मैं चल रहा था वो सहसा एक जगह पहुंचकर मानो जल में आ पड़ा। काफी सुना सुना लगेगा ना, तुमको अपने अखबार की जाने की चिंता नहीं है? जाने दो, मर गया छाई समय अंधकार का सूत्रपात देखते ही पक्षी जिस प्रकार घोंसले में वापस लौट आता है उसी प्रकार में तुम्हारे पास लौट आया।
बस अब और कहीं फिर मेरी जगह कागज के जिस जहाज को लेकर मैं दिन रात फिर किया करता था वो जहाज अब डूब गया चार। अब मैं तुम्हारे पास लौटा है। संसार में विश्वास का एक स्थान तो है ही, अब यही मेरा स्थान है। मैं घर लौटा हूं चारू, अब यही मेरा स्थान है। मैं घर लौटा हूं। जहाज डूब गया तो तुम्हें दुख हुआ, लेकिन अंतपुर के मेहराब में एक दरार आ पड़ी है ये देखने की तुमने कभी चिंता नहीं की। और आज आज अपनी टूटी नाव लेकर मेरे पास पर मैं अपना टूटा हृदय लेकर कहां जाऊं? मैं किसके पास जाऊं? भाभी कल सवेरे ही चला जाऊं। अब से तुम भैया को देखना, उनकी बड़ी संकटपूर्ण अवस्था हो गई। तुम्हारे बिना इनके पास सांत्वना का कोई मार्ग नहीं। ये अकेले ही अपनी सारी दुख दुर्दशा से जूझ रहे हैं। किसी से भी सहायता या सांत्वना नहीं मिल रही। चले जाओगे तो तुम्हारे लेख का क्या होगा? आषाढ़ का चांद और अमावस्या का आलोक, ये सब का क्या होगा? सुबह में जाए आषाढ़ का चांद और अमावस्या का आलोक, बैरिस्टर बनकर लौटने पर यदि किया की सहायता कर सके अभी समझना की कोशिश। और हमारी उस पाप का क्या जिसको लेकर हमने इतने सपने देखे? नष्ट कर देना।
चारू 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 हमारे लिए कुछ लाया देखो तो जरा कैसा आते वक्त ना चोरी की दुकान पे नजर पड़ गई जी में आया कि तुम्हारे लिए कुछ लिया चलो ताश क्यों नहीं
चारों महीने अखबार से छुट्टी दे दी। अब मैंने प्रतिज्ञा की है तुम्हारे साथ लिखना पढ़ना प्रेम और रोजमर्रा के कहीं कार्यों में अपना समय व्यतीत करूँ। ये घरेलू सुख सबसे सुलभ है और सुंदर भी। इन्हीं सुखों द्वारा हम अपने शांति के कमरे संध्या दीप जलाकर शांति की अवधारणा करेंगे। आज प्रयास प्रेम वार्तालाप और मनोरंजन के छोटे मोटे साधन करेंगे जिससे हमें सुख मिलता रहेगा। मंदा का बुलवा है बहुत अकेली हो गई। नहीं मुझे मंदा की कोई जरूरत नहीं। चलो कुछ पढ़कर सुनाओ। सुनाओ सुनाओ कुछ भी तुम्हें अच्छा नहीं। तुम ठहरो मैं भी आता। पिछले 12 वर्ष से अखबार लिखते लिखते कैसे बात की जाती है विद्या बिल्कुल गवाह थी। संसार में सब कुछ छोड़कर एकमात्र मुझसे अपने जीवन के समस्त आनंद प्राप्त करने की चेष्टा कर। तुम कोई और सहारा क्यों नहीं ले लेते? तुमने तो कभी भी मुझसे कभी किसी सेवा की मांग नहीं की, कभी किसी सुख की प्रार्थना नहीं की। फिर आज अचानक अपने जीवन के समस्त आनंद प्राप्त करने जा रहे हो। जब भी पाना लेकर बैठती हूँ तब सहसा याद आता है कि आज अमूल पीछे से नहीं आएगा। जब ज्यादा पान लगा देती हूँ तब याद आता है।
ज्यादा पान खाने वाला व्यक्ति तो घर में है ही नहीं, ना किसी के लिए कुछ लिखना है। कोई नई किताब, नई पुस्तक, नई खबर की आशा। क्यों इतना कष्ट हो रहा है मुझे? तुम क्यों क्रोध करके चले गए? यदि तुम प्रसन्न मन से विदा लेते ना, तो शायद शायद मुझे इतना दुख नहीं होता। एक भी दिन ऐसा नहीं है अम्मा जब मैं तुम्हें याद नहीं करती। मैं तुम्हें एक भी दिन नहीं भूली। मेरे जीवन के श्रेष्ठ पदार्थ सब तुमने ही अंकुरित किए। चलो, तुमने लिखना एकदम क्यों बंद कर दिया? क्या कहने हैं मेरे लेख के? नहीं, तुम्हारा लेख बहुत अच्छा है। तुम्हारी जैसी बांगला तो मैंने आजकल के किसी लेखक में नहीं देखी। देखो, इस बंधु ने जो कहा था मेरा भी वही मत है। वैसे लिखने का कोई साथी ना हो तो लेख प्रकट नहीं होता ना। मुझे भी अब लिखने का अभ्यास करना होगा। चलो, मेरे एक मित्र ने अभी भी लिखना शुरू किया, तो तुम एक बार पढ़कर तो देखो कैसा। तुम्हारे मित्र के ये पहले लेख? हाँ, बहुत सुंदर। पहला लेख को ऐसा लगता है क्यों लड़प्पन कर रहे हो मेरे साथ? मैं जानती हूँ ये तुम्हारा ही लेख, अपना लेख मुझे पढ़ने को दे रहे हो, ये कह कि तुम्हारे मित्र का लेख है। मुझे मूर्ख समझते हो तुम? आगे चलिए। वहां गर्मी थी इसलिए। चूल्हा लगवाने का बंदोबस्त करता हूं। मैं तो ठीक हूं। मैं ठीक हूं। तुम चिंता क्यों करते? अच्छा, एक बात थी, महसूस से एक अखबार निकले, मुझे उसका संपादक बनाया गया। संपादकी का तुम्हारा नशा कभी छूटेगा नहीं। आदमी को एक ना एक नशा तो होना ही चाहिए ना। सोच रहा हूँ मैसूर चला। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओ, यहीं रहो। वो विलायत को एक तार भेजकर ये नहीं जाना जा सकता कि अमूल कैसा।
अमोल बिल्कुल ठीक है, और विलायत खत भेजने में कोई कम खर्चा नहीं, पूरे 100 रुपये का धक्का है। टेलीग्राम का मतलब नहीं समझ पा रहा, इसमें अमोल ने विलायत से लिखा है कि वो ठीक, इसका क्या मतलब है? तुमने अमोल को तार भेजा था? पैसे कहाँ से आए? वो मैंने गहना गिरवी रखकर रुपया उधार लेकर डाल दिया। ये सब करने की क्या जरूरत? गहना गिरवी रखकर तार भेजने का क्या मतलब है? तुमने ये आती क्यों की? वो सब कुछ देख पा रहा हूं जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। दुनिया मेरे लिए शुष्क
जीर्ण और पुरानी हो गई। चारों ओर से ठोकरे खाकर सारे संसार से नाता तोड़कर मैं तुम्हारे पास लौटा। किंतु आज मुझे क्या हुआ, एक क्षीण शक्ति नारी हृदय कैसे प्रबल संसार द्वारा चारों ओर से अक्रांत हो गया। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके समक्ष सारी बातें कही जा सके, कोई स्थान ऐसा नहीं जहां हृदय खोलकर हाहाकार किया जा सके। बड़ी खबर का मुझे पता तक नहीं चल सका। चालू जब बाढ़ आती है ना तो व्यक्ति जो स्थान सबसे ऊंचा देखता है वहां दौड़ कर चला जाता है। मैं भी उसी प्रकार दौड़ कर तुम्हारे पास आया ये सोचकर कि चाहे जो मेरी चालू तो मुझे धोखा नहीं देगी। तो मुझे क्या पता था कि अब तो लक्ष्मी ही हो गई। अमोल की वियोग स्मृति इस घर को लपेट कर जला रही है और तुम भेदी हुई हिरणी के समान इस घर को छोड़कर भाग जाना चाहती हो, किंतु मैं कहां भागूं? तुमने मेरे बारे में सोचकर नहीं देखा? अरे जो स्त्री हृदय से दूसरे व्यक्ति का ध्यान कर उसके विदेश चले जाने पर भी उसे भूल नहीं पा रही हो, क्यों? उठेगी इसकी कल्पना करके भी मेरा हृदय खटा जाता।
जिसके हृदय पर मृत भार हो उसे हृदय से लगाकर मैं कितने दिन तक सह सकूं? भाई नहीं सह सकता। Always.